अर्जेंटीना में जन्मे संत रूप रघुनाथ स्वामी महाराज ने चित्तौड़गढ़ के इस्कॉन मंदिर में भगवद गीता पर प्रवचन दिया। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि आज के समय में लोग शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। लोग स्वयं के शरीर मानते हुए केवल स्वयं एवं दूसरों की शारीरिक सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ही विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में लगे हुए हैं, परंतु सुख प्राप्ति तो दूर रही, वे सदैव विभिन्न कष्टों को भोगते रहते हैं। इस जन्म के बाद पुनः इस संसार में कोई दूसरा शरीर प्राप्त कर पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति सभी समस्याओं से छूटकर सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी का जन्म दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना देश में हुआ था एवं युवावस्था में वे इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए थे, जिसके पश्चात वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं इसके प्रचार में लग गए। महाराज इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी भक्तों में से हैं एवं पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। कथा के बाद महाराज जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी किया। चित्तौड़गढ़ से रेखा खाबिया की रिपोर्ट।